मेहुल ने चोर की गैंग को पकड़ने के लिए जीपीएस लगा दिया था, एक पैसों में छुपा दिया था और दूसरा जब चोर के पास था तो उसके जेब में डाल दिया था। मेहुल ने बड़ी समझदारी से दो जीपीएस तो लगा दिए थे, लेकिन ये क्या, जब मेहुल जीपीएस को ट्रैक करने की कोशिश करता है तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब चोर अलग डायरेक्शन में है और खजाना अलग डायरेक्शन में जा रहा है। मेहुल देखता है कि खजाना कोई डाकूपेला गांव में जा रहा है जो मुंबई के पास में ही है। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और मुंबई से डाकूपेला गांव की तरफ निकल जाता है। मेहुल डाकूपेला गांव के पास वाले स्क्वायर पे पहुंच जाता है। मेहुल डायरेक्शंस के बोर्ड देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है। क्या आप डायरेक्शन बोर्ड को देख के बता सकते हैं मेहुल को किधर जाना चाहिए, लेफ्ट या राइट? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। डायरेक्शन का बोर्ड बता रहा है कि राइट जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में लेफ्ट जाना है। किसी ने बोर्ड पलट दिया है। मैं मुंबई से आ रहा हूँ और बोर्ड मुझे मुंबई आगे की तरफ बता रहा है 10 किलोमीटर, मतलब ये उस डायरेक्शन का बोर्ड था, किसी ने डायरेक्शन बदल दिया है। मेहुल लेफ्ट लेता है और डाकूपेला की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल गाँव में पहुँचता है तो देखता है कि गाँव में बस एक ही बंगला है, वो भी एकदम पुराना सा। लगता है पैसे इसी बंगले में छुपाए हुए हैं। मेहुल वो बंगले को देख के समझ जाता है कि चोर बंगले के अंदर गया है लेकिन बाहर नहीं आया है। कैसे, मेहुल को ये कैसे समझता है? बंगले की तरफ जाने के निशान है लेकिन वापस आने के नहीं है। चोर यहीं छुपे हुए हैं, मुझे जल्दी अंदर जाना होगा। मेहुल बंगले के सामने जाता है तो बंगला लॉक रहता है। क्या बंगले के गेट को देख के इसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कोड है सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। जैसे फर्स्ट में 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, माइनस 2 हो जाएगा 6। सेकंड में 9 प्लस 4 हो जाएगा 13, माइनस 1 हो जाएगा 12। तो फाइनल में कोड हो जाएगा 4 प्लस 4 8 और माइनस 1 7। मेहुल 7 प्रेस करता है तो डोर ओपन हो जाता है। मेहुल बंगले के अंदर पहुंच जाता है लेकिन बंगला पूरा खाली रहता है। मेहुल बंगले के हर रूम चेक करता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। इंटरेस्टिंग। तभी मेहुल को एक विंडो ओपन दिखती है। मेहुल समझ जाता है कि चोर यहाँ से भाग गए हैं। मेहुल को सामने वाले टेबल पे एक पेपर मिलता है और मेहुल का जीपीएस डिवाइस भी वहाँ पड़ा होता है। मेहुल पेपर उठाता है तो उस पे लिखा होता है, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मुझे जीपीएस डिवाइस के बारे में पता था, मैंने तुम्हें उल्लू बना दिया है। मेहुल हंसने लगता है, मैंने 2 जीपीएस डिवाइस छुपाए थे, मैं दूसरे से तुम्हें पकड़ लूंगा। मेहुल बाहर निकलता है और अपनी कार में बैठ जाता है और दूसरे जीपीएस को फॉलो करते हुए निकल पड़ता है। मेहुल एक जंगल के सामने पहुंच जाता है जहां उसे बाहर कुछ कपड़े पड़े हुए मिलते हैं और उसी कपड़ों में मेहुल को दूसरा जीपीएस डिवाइस भी मिल जाता है। मतलब अब मैं उन्हें नहीं पकड़ पाऊंगा, उन्होंने दोनों डिवाइस फेंक दिए हैं। मेहुल निराश होकर वापस शहर आ जाता है। चोर जरूर उस जंगल में छुपते हैं, उनका अड्डा भी उस जंगल में होगा। चोर दिन के उजाले में दिखते नहीं है तो मैं रात में वहां जाऊंगा। चोर को पकड़ने के लिए मेहुल अगली चोरी का पैटर्न देखता है। पहली चोरी हुई थी एरिया AB में फ्लैट नंबर 21 में, दूसरी चोरी हुई थी एरिया CB में फ्लैट नंबर 23 में और तीसरी चोरी हुई थी SC में फ्लैट नंबर 28 में। तो अब आप सोचिए और मुझे बताएं अगली चोरी एरिया EF में कौन से फ्लैट में होने वाली है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लेटर्स की पोजीशन के हिसाब से फ्लैट नंबर है। जैसे A1 पोजीशन पे आता है, B2 पोजीशन पे, तो फ्लैट हो गया A21B। सेकंड में C3 पोजीशन पे आता है तो कोड है C23B। तो चोरी वाले फ्लैट के लिए E आता है 5 पे और F आता है 6 पे, तो फ्लैट नंबर हो जाएगा 65, E65F। मेहुल वहाँ पहले से पहुंच जाता है और वापस कैश में GPS छुपा देता है और चोर के आने का इंतजार करने लगता है। तभी मेहुल को जोरों से धक्का लगता है और घर का दरवाजा खुलता है। मेहुल समझ जाता है कि चोर आ गया है। इस बार भी मेहुल GPS की मदद से चोर का पीछा करता है, लेकिन वापस वही जंगल के बाहर उसे कपड़े मिलते हैं और GPS पड़ा हुआ मिलता है। अब मैं 100% श्योर हूँ चोर इसी जंगल में छुपते हैं, लेकिन दिन में मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगा, मैं रात में इस जंगल में जाऊंगा। मेहुल वहीं रुक जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। रात होते ही मेहुल जंगल में घुस जाता है। मेहुल को सामने 3 रास्ते दिखते हैं, लेकिन कौन सा रास्ता सही है? क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन सा रास्ता सही है, AB या C? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रास्ता सी सही है। ए और बी में जानवर के पैरों के निशान है लेकिन सी में इंसानों के है, मतलब चोरों ने यही रास्ता लिया था। मेहुल भी रास्ता सी लेता है और जंगल में आगे बढ़ता है। पैरों के निशान एक गुफा के अंदर गए और बाहर भी आ गए, मतलब ये चोर इस गुफा में गया है और वापस चला गया है। मेहुल गुफा के अंदर जाके देखता है तो बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ होता है। मेहुल बाहर आ जाता है और जंगल में चोर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। मेहुल को फिर एक गुफा दिखती है और वापस पैरों के निशान दिखते हैं जो गुफा के अंदर जा रहे थे और फिर पहले के जैसे बाहर भी आ रहे थे, मतलब चोर इस गुफा में पैसे छुपाते हैं। जरूर ऐसी कोई गुफा में चोर और उसकी गैंग भी होगी, लेकिन मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि वो एक चोर नहीं है उसकी गैंग है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
दोनों गोपा के फुटप्रिंट्स को देखिए, अलग अलग है, साइज भी अलग अलग है, शेप भी अलग अलग है, मतलब ये तो अलग अलग लोगों के फुटस्टेप्स है। उसी से मेहुल समझ जाता है कि ये चोर अकेला नहीं है, ये पूरी गैंग है। मेहुल जंगल में और आगे बढ़ता है तो उसे एक बड़ी गुफा दिखती है। इस गुफा में मेहुल को बहुत सारे फुटस्टेप्स अंदर जाते हुए दिख रहे थे, लेकिन इस बार एक भी फुटस्टेप बाहर की तरफ नहीं था, मतलब सारे चोर इस गुफा में बैठे हुए हैं। मेहुल गुफा में जाने की कोशिश करता है लेकिन गुफा लॉक्ड रहती है। क्या आप गुफा को देख के उसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है थर्ड नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। जैसे फर्स्ट में 2 × 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 1 हो जाएगा। सेकंड में 4 × 1 4 हो जाएगा, माइनस 3 1 हो जाएगा। वैसे ही आंसर के लिए 5 × 3 15 हो जाएगा और माइनस 9 6 हो जाएगा, तो कोड है 6। मेहुल कोड 6 प्रेस करता है तो गुफा का दरवाजा खुल जाता है। मेहुल देखता है कि अंदर बहुत सारे चोर छुपे हुए हैं। ये रही पूरी चोरों की गैंग। मेहुल तुरंत गुफा को बंद कर देता है और बाहर बड़ा सा स्टोन रख देता है और वहाँ पुलिस को बुला लेता है। पुलिस मिलके सारे चोरों को रात में ही पकड़ लेती है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कुशल और मेहुल कॉफी पी रहे होते हैं और मेहुल साथ में काम कर रहा होता है, तो मेहुल कुशल से पूछता है, कुशल बताओ मेरे लैपटॉप का पासवर्ड 5 डिजिट का है, लेकिन देखो मैंने 6 की प्रेस की फिर भी लैपटॉप ने पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे कैसे, मैंने ऐसा क्या किया? कुशल थोड़ा सोचता है और फटाक से इसका जवाब दे देता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, जब पासवर्ड 5 लेटर का है तो मेहुल ने 6 कीज क्यों प्रेस किए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कुशल कहता है, मेहुल पासवर्ड 5 लेटर का ही है, लेकिन 5 लेटर प्रेस करने के बाद तुम्हें एक एंटर भी तो प्रेस करना पड़ेगा, इसलिए 6 कीज प्रेस हुए। कुशल की समझदारी के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल इस लकड़ी पे अटक गया है, एक तरफ शेर है और नीचे क्रोकोडाइल्स है। अब सोचिए और मुझे बताएं कैसे बच सकता है मेहुल। आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लकड़ी बहुत ही पतली है तो शेर इस पे चलेगा नहीं, और दूसरे तरफ कोई जानवर नहीं है, तो मेहुल आसानी से रस्सी से धीरे धीरे स्लाइड होता हुआ इस तरफ आ जाएगा और भाग जाएगा। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।